अब विकेट कीपर सेक्शन की बात करें तो डेविड कॉर्ने है, एमएस धोनी है और दिनेश कार्तिक है। तो दोस्तों डेविड कॉर्ने चेन्नई की तरफ से ओपन करेगा और आज के मैच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उसके बाद एमएस धोनी। चेन्नई की अगर बैटिंग आती है उस कंडीशन में आप इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर इसकी बैटिंग आती है तो चौके छक्के में बात करता है। तो यहां से मैं डेविड कॉर्ने को अपनी टीम में सिलेक्ट करूंगा, ये मेरा ड्रीम प्लेयर होगा हर एक टीम में, और कुछ टीम में तो मैं इसको कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बनाऊंगा। अब बैटिंग सेक्शन की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ है, विराट कोहली है, फाफ डू प्लेसिस है, अजिंक्य रहाणे है, शिवम दुबे है और यहां से एम लोमरोड। तो मैं यहां से कौन से प्लेयर को सिलेक्ट करूंगा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस। और दोस्तों आज के मैच में बेंगलोर का टॉप ऑर्डर जरूर चलेगा, दोनों प्लेयर चलेंगे विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस। अब दोस्तों इसमें कंफ्यूजन वाली बात यह है कि कौन सा प्लेयर यहां पर आपको कैप्टन के पॉइंट देगा। आज के मैच में दोनों प्लेयर 50 रन बना सकते हैं। तो बैटिंग साइड से मैंने तीन प्लेयर को अपनी टीम में सेलेक्ट किया है। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो रविंद्र जडेजा आज के मैच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मोइन अली को मैं अपनी सभी टीम में सेलेक्ट करूंगा, मैक्सवेल को अपनी सभी टीम में सेलेक्ट करूंगा। अब यहां से हसरंगा है और दोस्तों आज के मैच में ब्रेसवेल को भी खेलने का मौका मिल सकता है, इसके अलावा सेंटनर भी आज के मैच में खेल सकता है। तो यहां से मैं हसरंगा को अपनी टीम में सेलेक्ट करूंगा, और दोस्तों अगर सेंटनर और ब्रेसवेल दोनों खेलते हैं तो आपको इन दोनों प्लेयर को अपनी टीम में सेलेक्ट करना है, ड्रीम प्लेयर बनाना है। अब बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो यहां से हर्षल पटेल है, मोहम्मद सिराज है, ठीक सिन्हा है, डेविड विली है, परनेल है, देश पांडे है, इसके अलावा यहां से विजय कुमार है और आकाश सिंह है। तो मैं कौन से प्लेयर को सिलेक्ट करूंगा, मोहम्मद सिराज या फिर हर्षल पटेल, इन दोनों में से आप एक प्लेयर को सिलेक्ट कर सकते हो, और दोस्तों आप चाहो तो यहां पर हर्षल पटेल को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहां से ठीक सिन्हा को मैं अपनी टीम में सिलेक्ट करूंगा और यहां से देश पांडे को। तो ये हमारा प्रीव है। अब दोस्तों इसमें आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाना है, तो दोस्तों यहां पर आप वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन डी कॉनवे के साथ वाइस कैप्टन जाइए, और उसके बाद आपको कैप्टन किसे सिलेक्ट करना है, एक टीम में विराट कोहली और एक टीम में फाफ डू प्लेसिस, इन दोनों में से कोई एक प्लेयर लंबी इनिंग खेलेगा। इसके अलावा आप रिवर्स भी कर सकते हो, डेविड कॉनवे को कैप्टन बनाकर फिर इनको वाइस कैप्टन बना सकते हो। और दोस्तों आज के मैच में जो फिक्स प्लेयर है जो मैंने आपको बताए थे वो है यहां से डेविड कॉनवे, विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस, रविंद्र जडेजा, मोइन अली, मैक्सवेल और यहां से देश पांडे और हसरंगा। इनको आपको अपनी सभी टीम में ट्राई करना है। और आज के मैच में जो कैप्टन और वाइस कैप्टन की सबसे बेस्ट चॉइस कौन सी है, यहां पर डी कॉनवे, विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस और यहां पर मोइन अली। अगर यहां पर चेन्नई की बैटिंग आती है तो आप रविंद्र जडेजा को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो इस तरह से आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन को रोटेट करना है। और अब हम एक एक करके अपनी सभी टीम को ओपन करके देखते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपके लिए चार टीम बनाई है। सबसे पहले तो हमारी ये टीम है, इसमें विराट कोहली को कैप्टन बनाया और डेविड कॉनवे को मैंने वाइस कैप्टन बनाया। अब आपको वाइस कैप्टन चेंज कर सकते हो, जैसे कि डेविड कॉनवे को बनाइए एक टीम में ऋतुराज गायकवाड़ को, और उसके बाद एक टीम में यहां पर मोइन अली को। इसी तरह से आपको कैप्टन को रोटेट करना है, जैसे कि आपने इसमें इसको वाइस कैप्टन बनाया तो आप एक टीम में इसको कैप्टन बनाइए, एक टीम में फाफ डू प्लेसिस को कैप्टन बनाइए, और वहीं अगर बैंगलोर की बैटिंग आती है तो आप मैक्सवेल को भी कैप्टन बना सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन रोटेट करना है। अगर आप इस तरह से कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करोगे, जैसे कि एक टीम में जडेजा को कैप्टन, एक टीम में ऋतुराज गायकवाड़ को, इसी तरह से दूसरी टीम में फाफ डू प्लेसिस और यहां पर मोइन अली को, तो इस तरह से आप कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट मत कीजिए। कैप्टन और वाइस कैप्टन रोटेट करने का बिल्कुल सही तरीका यही होता है कि या तो आप एक प्लेयर को कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन बनाइए, जैसे कि इसको आपने वाइस कैप्टन बनाया, उसके बाद कैप्टन इस तरह से रोटेट कीजिए, या फिर आपको क्या करना है, इसको आप वाइस कैप्टन बनाए फिर वापस से आपको इस तरह से कैप्टन और वाइस कैप्टन रोटेट करना है, तभी आपकी ग्रैंडिंग लग सकती है। अब हम अपनी दूसरी टीम को ओपन करके देखते हैं। ये हमारी दूसरी टीम है। अब दोस्तों इसमें मैंने सिर्फ एक चेंज किया है, हर्षल पटेल को यहां पर मैंने रखा है, क्योंकि यहां पर दोनों ओपनर है और ये मिडिल में बॉलिंग करने आएगा, इस वजह से हर्षल पटेल है। अगर आपको यहां पर मोहम्मद सिराज को सिलेक्ट करना है तो आप इसमें एक चेंज कर सकते हो, यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप करके अजिंक्य रहाणे को अपनी टीम में सिलेक्ट कर सकते हो। और अब हम अपनी तीसरी टीम को ओपन करके देखते हैं। ये हमारी तीसरी टीम है, इसमें डेविड कॉनवे को मैंने कैप्टन बनाया, विराट कोहली को वाइस कैप्टन बनाया और यहां पर मैंने सेंटनर को अपनी टीम में सिलेक्ट किया। अगर दोस्तों आज के मैच में सेंटनर खेलता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ओपोनेंट टीम में आप देख सकते हो ज्यादातर राइट हैंड बैट्समैन है।
तो ये हमारी तीसरी टीम है। अब हम अपनी चौथी टीम को ओपन करके देखते हैं, ये हमारी चौथी टीम है। अब इसमें भी मैंने डेविड कॉनवे को कैप्टन बनाया, वाइस कैप्टन मोइन अली को मैंने बनाया। और दोस्तों आज के मैच में मैं डेविड कॉनवे पर ज्यादा भरोसा दिखा रहा हूं। आप चाहो तो यहां पर विराट कोहली को भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाऊंगा। और दोस्तों आज के मैच में अगर बैंगलोर 200 का रन भी स्कोर करती है तो वो स्कोर भी चेन्नई चेज कर सकती है, क्योंकि चेन्नई की बैटिंग लाइन काफी मजबूत है। अब इसे आप चाहो तो बैंगलोर का बैड लक भी कह सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपना प्रेडिक्शन करना है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो